मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आज हम प्लांट एंड एनिमल नीड वाटर का जो रिमेनिंग पार्ट है वो स्टडी करने जा रहे हैं या रीडिंग लगाने जा रहे हैं। बेटा, आपने अच्छे से पढ़ा ना, ये आपने समझा ना कि किस तरह से खाना बनाते हैं प्लांट और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। इसमें नहीं था, उसको प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जिसमें कि प्लांट अपना खाना स्वयं बनाते हैं। तो प्लांट मेक दियर फूड ओके बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर, मिनरल, है ना। और एक जो ये ग्रीन पार्ट्स होता है इसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। क्या कहते हैं इसको हम? क्लोरोफिल। ठीक है बेटा, इसकी हेल्प से ये अपना खाना बनाते हैं और इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। हाँ बच्चों, देखो मैंने यहाँ लिखा है कि जिसमें खाना यानी कि प्लांट मेक दियर फूड वॉन्ट फूड, है ना, अपना खाना स्वयं बनाते हैं, उसको हम इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो लीव मेक फूड बाय द प्रोसेस फूड, दिस इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस एंड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, एयर, है ना, क्लोरोफिल, वाटर। तो इन सभी की हेल्प से खाना ये खुद बनाते हैं। ये ध्यान रखना है आपको, और ये ध्यान रखना है कि जो लीफ का कलर होता है वो क्लोरोफिल के वजह से होता है, यानी कि द लीफ कंटेन ए ग्रीन सब्सटेंट। ठीक है, जो ग्रीन सब्सटेंस इसके अंदर होता है उसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। अच्छा, जर्मिनेशन का आपने एक्टिविटी कंप्लीट की या नहीं? ऐसे वो करके तैयार रखना बेटा, और उसकी आपको मुझे पिक्चर भेजनी है, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे करते हैं, नेक्स्ट। अच्छा बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम एनिमल नीड वाटर। जिस तरह से आपने देखा, ये एक्टिविटी आपने करी और आपने देखा कि इसमें प्लांट को जिस तरह से पानी की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरह से एनिमल को भी पानी की आवश्यकता होती है। एनिमल आल्सो नीड वाटर। आप मेरे साथ साथ पढ़ रहे हो ना, चलिए फटाफट फिंगर रखो। वाइल्ड एनिमल लाइक टाइगर, जेब्रा एंड एलिफेंट ड्रिंक वाटर फ्रॉम पॉन्ड, रिवर एंड लेक। यानी कि जो वाइल्ड एनिमल होते हैं, वाइल्ड यानी दे आर लिव इन जंगल, है ना, जो जंगल में रहते हैं, जो फॉरेस्ट में रहते हैं, उनको हम वाइल्ड एनिमल कहते हैं। तो ये अपना पानी कहाँ से लेते हैं बेटा? पॉन्ड से, रिवर से एंड लेक से। एनिमल्स ऑल्सो बाथ इन वाटर। देखिए ये नहा रहा है ना, तो इन्हें भी, ये भी नहाते हैं बेटा, पानी भी पीते और ये नहाते भी हैं। यू माइट हैव द सीन एन एलिफेंट इन पॉन्ड, इट शावर वाटर ऑन इट्स बॉडी विथ इट्स ट्रंक। जो इसकी ये ट्रंक होती है, इससे ये अपनी बॉडी पर शावर कर रहा है। वाटर इज होम टू एनिमल लाइक फिश, वेल एंड ऑक्टोपस। कई एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनका पानी ही उनका घर होता है, यानी कि जो वाटर बॉडीज होती हैं वो उनका घर होता है, जैसे फिश है, वेल है, ऑक्टोपस, और इन्हें हम क्या कहते हैं? एक्वेटिक एनिमल, है ना। एनिमल लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल। ठीक उसी तरह से बेटा, जैसे एक्वेटिक प्लांट होते हैं, यहाँ हम एनिमल की जगह क्या बोल देते हैं? प्लांट डेट लिव इन वाटर इज कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट। और इसमें अगर हमने एनिमल लिख दिया तो हम एक्वेटिक एनिमल लिखेंगे, ठीक है, ध्यान रहेगा ना। तो फिश, फिश इज एक्वेटिक एनिमल, वेल इज एक्वेटिक एनिमल एंड ऑक्टोपस इज एन एक्वेटिक एनिमल। अच्छा, इसको ऑक्टोपस क्यों कहते हैं आपको पता है? देखिए, ऑक्टो यानी एट होता है, पस यानी इसकी आर्म्स, यानी कि जिसके एट आर्म्स होती है उसको हम ऑक्टोपस कहते हैं, है ना। और बताइए वेल क्या है? वेल इज ए बिगेस्ट वाटर एनिमल, है ना, ये सबसे बड़ा वाटर एनिमल है। आपको पता है एक शिप भी इसके ऊपर खड़ा हो सकता है, कई वेल इतनी बड़ी होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। लिटिल नीड ऑफ वाटर। किसी कई को बेटा बहुत कम पानी की जरूरत होती है, बताइए कहाँ होगी वो? इन डेजर्ट। हाँ, वी नो डेट ऑल प्लांट एंड एनिमल नीड वाटर बट डू नॉट नीड एन इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर। सभी को समान मात्रा में पानी की जरूरत नहीं होती। सम प्लांट एंड एनिमल नीड मोर वाटर वेयर सम नीड लेस वाटर। एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल नीड वाटर द मोस्ट, दे कैन नॉट लिव विदाउट वाटर एट ऑल। एक्वेटिक प्लांट को सबसे ज़्यादा पानी की जरूरत होती है ना, एनिमल्स और प्लांट को, क्योंकि वो बगैर पानी के जिंदा नहीं रह सकते।
डू यू नो डेट सम प्लांट एनिमल नीड वेरी लिटिल वाटर? क्या आप जानते हो बहुत प्लांट को और एनिमल को बहुत ही थोड़े पानी की जरूरत होती है? सच प्लांट एंड एनिमल लिव इन प्लेस वेयर वेरी लिटिल वाटर इज फाउंड. फॉर एग्जाम्पल कैक्टस, डेड प्लांट्स, डेजर्ट स्नेक, डेजर्ट रेक, रेट एंड कैमल. यानी कि जैसे कि कैक्टस और डेड प्लांट होते हैं ना, ये प्लांट्स आपने आपके कई घरों में डेकोरेटिव प्लांट के लिए देखा होगा. तो इन सभी में बेटा जिसमें भी ये थ्रोन होते हैं यानी कि जिनमें ये कांटे होते हैं, इन सभी को बहुत ही कम मात्रा में पानी की जरूरत होती है, ये ध्यान रखना आप. और जो डेजर्ट स्नेक वगैरह जो होते हैं, कैमल होते हैं, इनको भी बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है. लेट्स अस टेक द लुक एट सम ऑफ देम. बेटा यहाँ पर बार बार एक वर्ड आ रहा है, डेजर्ट डेजर्ट. तो डेजर्ट होता क्या है? डेजर्ट आर ड्राई एंड गेट वेरी लिटिल रेन. मतलब डेजर्ट वो होता है जो ड्राई प्लेस होता है, जहाँ पर देखिए ऐसा, और वहाँ पर बहुत ही कम पानी की मात्रा पाई जाती है. डेजर्ट में बेटा रेत ही रेत होती है और वाटर इज फाउंड इन सम प्लेसेस. पानी बहुत ही कम जगह पर ही मिलता है और उन छोटी छोटी जगहों पर जहाँ पर की पानी होता है उसको हम ओएसिस कहते हैं. यानी कि यहाँ जैसे हमारे यहाँ हर कई नदियाँ बह रही होती है ना, वहाँ पर ऐसा नहीं होता बेटा. वहाँ बहुत ही बहुत दूर जाकर आपको छोटी छोटी वाटर बॉडीज मिलती हैं और उनमें पानी होता है, उन्हें ही हम ओएसिस कहते हैं. देखो बेटा आपको नज़र आ रहा है ना, ये डेजर्ट है और यहाँ देखो ये छोटा सा पानी का एरिया है, इसको हम ओएसिस कहते हैं. और इसी के किनारे बेटा ये प्लम ट्री आपको नज़र आएंगे. जो डेड प्लम्स हैं वो इन्हीं के किनारे ही उगते हैं, ये ध्यान रखना है. और जो कैक्टस है वो भी इन्हीं से ही अपना थोड़ा थोड़ा पानी लेते रहते हैं. और इनकी जो रूट होती है बेटा बहुत ही लॉन्ग होती है. वो क्या करती हैं, अपने पानी की तलाश में बिल्कुल अंडरग्राउंड जाती ही चली जाती हैं. तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कैक्टस. द कैक्टस प्लांट इज फाउंड इन डेजर्ट वेयर द लिटिल वाटर इज अवेलेबल एंड द सॉइल इज वेरी ड्राई. मतलब वो कहाँ मिलता है, जहाँ पर सॉइल क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है. द लीव्स इन कैक्टस प्लांट हैव कन्वर्टेड इन टू द स्पाइन टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर. और वहाँ क्या होता है बेटा, पानी की कमी होती है, इसलिए ये जो आपको ग्रीनी पार्ट नज़र आ रहा है ना, ये इनका स्टेम होता है और ये इनकी लीव्स होती है. तो लीव्स किस में कन्वर्ट हो जाती है, स्पाइंस में, यानी कि छोटे छोटे कांटों में. अच्छा देखो आपको जो स्टेम है वो कैक्टस का बहुत फ्लैशी नज़र आ रहा है, बहुत थिक नज़र आ रहा है ना. तो द स्टेम ऑफ कैक्टस प्लांट इज थिक एंड फ्लैशी, यानी मोटा होगा. अच्छा आपने एलोवेरा तो आपके घर में देखा है ना, तो एलोवेरा में आपने देखा कि जो लीव्स हैं उसकी वो बहुत मोटी होती हैं. वो लीव्स नहीं होती बेटा, वो उसके स्टेम होता है. वो फ्लैशी होती है और थिक होती है. इट स्टोर द वाटर इन द स्टेम. और इस वाले पार्ट में इनका क्या होता है, पानी अंदर इनका स्टोर होता है. आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है. ये क्या है, कैक्टस का स्टेम, न कि लीफ. और लीव्स कौन सी, इनकी ये वाला पार्ट है ना बेटा. और इनके और जो आपके घर में एलोवेरा है वो भी एक एक तरह का डेजर्ट प्लांट ही है, क्योंकि उसके स्टेम में भी फ्लैशी और थिक होता है. वो भी बेटा कई दिनों तक बिगर पानी के रह सकता है ना. अच्छा मैंने आपको बताया था ना, द रूट ऑफ कैक्टस स्प्रेड इन डीप, बहुत ही नीचे नीचे इनकी स्प्रेड होती चली जाती है अंडरग्राउंड में. किसके लिए, इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में इनकी जड़ें बहुत लंबी होती है. आपको ये भी यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है. और ये तो इसमें लिखा ही है कि जो स्पाइन होते हैं वो क्या होते हैं, ये कन्वर्टेड लीफ होती है इनकी, ठीक है, ताकि पानी से ये लॉस ऑफ वाटर इनका कम हो सके. अगर लीफ होंगी तो बेटा उतनी ही ज़्यादा मात्रा में क्या होगा, पानी का इवेपोरेशन होगा, यानी कि पानी भाप बनकर उड़ जाएगा, है ना. इसलिए लीफ किस में चेंज हो जाती है, स्पाइंस में चेंज हो जाती है. कैमल, कैमल आर फाउंड इन डेजर्ट. कैमल कहाँ पाया जाता है, डेजर्ट में. दे स्टोर फूड इन दियर हम्प. डेजर्ट
रेट एंड डेजर्ट स्नेक आल्सो नीड वेरी लिटिल वाटर। चलो हम थोड़ा बहुत और आपको समझाते हैं कैमल क्या है। कैमल को आप जानते हो क्या कहते हैं? एक नाम और बुलाया जाता है कैमल को, बताइए। शिप ऑफ डेजर्ट। कैमल को क्या कहते हैं? शिप ऑफ डेजर्ट। ठीक है बेटा, इसको शिप ऑफ डेजर्ट भी कहते हैं। किसको? कैमल को। अच्छा क्यों कहते हैं बताइए, शिप ऑफ डेजर्ट कैमल को क्यों कहते हैं? बिकॉज इसके अंदर जो सूटेबल होती है इसकी बॉडी, वो डेजर्ट के अकॉर्डिंग है। ये कई दिनों तक पानी के बगैर भी रह सकता है बेटा, और ये लार्जेस्ट डेजर्ट एनिमल है, ये भी ध्यान रखना है। कैमल इज ए लार्जेस्ट डेजर्ट एनिमल और इट कैन वॉक कंफर्टेबली ऑन द सैंड। इसके पैर लंबे होने के वजह से ये बहुत आसानी से सैंड पर चल सकता है। और एक चीज़ और मजे की बात बताऊँ बेटा आपको, इट ड्रिंक ए लॉट ऑफ वाटर एट ए टाइम एंड स्टोर इन इट्स बॉडी। ये बहुत सारा पानी एक साथ पी लेता है और इसके बॉडी में यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर ये पानी इकट्ठा कर सकता है। और पता है आपको, इट कैन देन गो विदाउट वाटर फॉर ओवर 20 डेज। ये 20 दिन तक बिगर पानी पिए भी रह सकता है। और जो आप डेजर्ट रेट और डेजर्ट स्नेक की बात कर रहे हैं ना, तो जो ये प्लांट्स होते हैं बेटा, इनके ऊपर ड्यू जमा हो जाती है। ड्यू मतलब क्या होती है? ओस जमा हो जाती है, पानी की बूंदें जमा हो जाती है, और उनको पीकर ही ये उनको क्या कर लेते हैं, ये कलेक्ट कर लेते हैं और ये अपनी थोड़े से पानी से अपनी प्यास को बुझा लेते हैं। तो देखा ना कितना स्मार्टली अपना जीवन जीते हैं। और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा, एक दिन हमारे पास पानी नहीं रहेगा। सो वी इज द मोस्ट प्रीवियस थिंग ऑन द अर्थ। तो पानी जो है बेटा, वाटर है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है अर्थ पर। इफ़ वी कंटिन्यू टू ओवर यूज़, अगर हम इसका पानी कंटिन्यू कर ओवर यूज़ करते रहेंगे, इसको वेस्ट करते रहेंगे, देयर विल बी नो मोर वाटर लेफ्ट ऑन द अर्थ फॉर एवरीवन। और वो फिर पानी किसी के लिए हम इस अर्थ पर नहीं रहने वाला है। तो अब अगर आपको देखो बेटा, मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ बताई, तो शिप ऑफ डेजर्ट क्यों है, किसे कहते हैं, वो कैमल है। ये कितने दिनों तक? 20 डेज तक बिगर पानी के रह सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको ये समझ आ गया होगा कि जो डेजर्ट रेट और डेजर्ट स्नेक है, वो पानी कहाँ से लेते हैं, वो कहाँ से लेते हैं? ड्यू से। किससे लेते हैं बेटा? ड्यू। ड्यू क्या है? ड्यू है आपका जो पौधों के ऊपर पानी की बूंदें होती है, उसको हम क्या कहते हैं? ड्यू कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा उसको? हम ड्यू कहते हैं, ध्यान रहेगा। तो आज मैंने आपको ये चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। आज मैं जो आपको होमवर्क देने जा रही हूँ, नेम एनी 3 प्लांट इन योर गार्डन। आपके कोई भी ऐसे 3 प्लांट का नाम देना है जो आपने अपने गार्डन में, अपने घर के छोटे से रूफ गार्डन में उनको लगाया है और प्लांट किया है। और अभी तो मौसम भी प्लांट का है, तो कौन कौन से प्लांट है उनको आप मुझे नाम लिखकर आपको देना है। जय हिंद।